अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र पूजित भव्य अक्षत कलश यात्रा आज अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मंदिर परिसर से मुख्य बाजार होते हुए माल रोड तक निकली। यात्रा में सांसद अजय टमटा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कलश यात्रा का स्कूली छात्रों और राम भक्तों ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। अक्षत कलश यात्रा में लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे विश्व के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, प्रभु राम के मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है और 22 तारीख को प्रभु राम विराजेंगे और इस निमित्त पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल है और अल्मोड़ा के अंदर भी आज हवन के साथ पूजित अक्षत किए गए कलश यात्रा का आज कार्यक्रम हमारा यहाँ से अल्मोड़ा नंदा देवी के मंदिर से पूरा बाजार होते हुए चौखान बाटा होते हुए यात्रा शिखर होटल तक आएगी और इसमें हमारे सभी अल्मोड़ा के पूरे नगरवासी, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। वही पौड़ी जिला मुख्यालय में श्रीराम जन्मभूमि पूजित अक्षत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय पौड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर से विधायक राजकुमार पोरी ने अभियान के तहत श्रीराम जन्मभूमि पूजित अक्षत शोभा यात्रा की शुरूआत की। राम मंदिर अभी अयोध्या में बना है, उस वहां से जो प्रसाद के रूप में अक्षत आए हैं, उन अक्षत का वितरण कार्यक्रम होना है थोड़ी देर बाद और उसके उपलक्ष्य में यहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू करके रामलला ग्राउंड में जो मंदिर बना है यहां पर जाएंगे, उसके बाद वो फिर एजेंसी होकर DAV कॉलेज पर समापन करेंगे।